खड़े होके पढ़ाने में तो मजा आएगा, आज कम से कम हिल तो सकती हूँ इधर उधर, तो जम के खड़े रहना पड़ता था। गुड इवनिंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सबके, बता दो जल्दी से। कल की क्लास में तो फाइल अच्छे से एडजस्ट थी नहीं, आज सुपर सेटिंग करके लाई हूँ फाइल की, तो आपको आज बिल्कुल शब्द देखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और आज की इस क्लास में मैंने एक तिगड़मबाजी और लगा रखी है, वो ये है कि वन वर्ड्स की मदद से हम सिनोनिम सीखने वाले हैं, यानी एक तीर से दो शिकार हम करेंगे। वी विल किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से हम दो पक्षी मारेंगे। यानी वन वर्ड के चार ऑप्शंस को मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया है कि वो आपस में सिनोनिम्स या अपोजिट हो गए हैं, तो जिससे क्या है कि वन वर्ड का भी सेंस क्लियर हो रहा है और सिनोनिम्स भी साथ के साथ आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर वकैब की फाइल्स हैं, तो हर एग्जाम के बच्चे के लिए वर्दी है। ध्यान से देखिएगा, हर शब्द से कनेक्टेड एक इमेज भी मैंने लगा रखी है ताकि आपको वो शब्द याद रखने में थोड़ी सी आसानी रहे। एक मूवी हम देखते हैं तो हमें याद हो जाती है ना जल्दी, लेकिन टीचर की क्लास तो नहीं याद होती। मूवी क्यों याद हो रही है? क्योंकि हमें इमेजेस दिखती हैं। तो इस क्लास में मैं वोकैब की इमेजेस और प्लस कुछ हल्का हिंदी मीनिंग सेंसेस सब तरीके की बातें मैं करती हुई चलूंगी। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से अटेंशन के साथ क्लास लगाएंगे, बेनिफिट पक्का पक्का उनको होने वाला है, और ये सारे खूब खूब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ अब क्लास को शुरू कर देते हैं फटाफट से। जी गुड इवनिंग सुरेश कुमार जी, हाँ जी, विकास शर्मा जी, पायल, ऋतु, प्रदीप खेरवाल, हेलो। करेक्टली स्पेल भी कराऊंगी ज्योति बेटा, एक ही क्लास में तो सब संभव नहीं है, एक बार ये तो सेक्शन पूरा हो जाए ना जो शुरू कर रखा है। जी सुरेश जी गुड इवनिंग, रेगुलर हैं आप, फेसबुक से व्यूवर हैं ये, और ऑलमोस्ट डेली क्लास देखते हैं। मैम ग्रामर की भी क्या लगाएं, मैराथन लगाओ। अच्छा मुझे नरेशन दिखाई दे रहा था मैराथन है, ठीक है। हाँ थैंक यू विकास शर्मा जी, आ जाओ क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। आज की जो फाइल है वो इसी अकॉर्डिंग एडजस्टेड है अपनी, कि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लो आज की क्लास का पहला शब्द, मैं सेंटर में खड़े रहने की कोशिश करूंगी जिससे आपको शब्द भी दिखेगा, आपको इमेज भी दिखेगी और क्वेश्चन भी दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहला लिखा हुआ है एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन। इमेज को देखो ध्यान से, एन एनक्लोजर चारों तरफ से जो चीज बंद हो, किसी चीज के अंदर कवर्ड हो, उसे एनक्लोजर, पिंजरा, जाल, डिब्बा, बहुत सारे शब्दों का सेंस आता है एनक्लोजर के अंदर। तो जब किसी एनक्लोजर के अंदर पक्षियों को रखा जाता है तो चुनो ऑप्शन में से क्या आएगा, देखते हैं सबसे पहले कौन ठीक आंसर देगा, फिर मैंने तो बताना ही है, पहले देखते हैं कौन सही आंसर देने वाला है। जल्दी से बताएं सभी बच्चे। हाँ जी आज कंप्लीट करा देंगे, डोंट वरी। ममता सांगवान जी आज कंप्लीट करा देंगे, आंसर देने की कोशिश करें सभी बच्चे, फेसबुक से भी। सर्वेश कुमार जी, हाँ जी सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे, लाइक एंड, अच्छा कृष्ण बलारा साहब कह रहे हैं लाइक एंड शेयर दिस क्लास। हाँ वो कैब की आप शेयर जरूर कर दो, क्योंकि वो कैब ना बहुत सारी होती है, बच्चे को समझ ही नहीं आता क्या करना है कितना करना है, तो वोकेबलरी शेयर करना एक अच्छी बात हो सकती है, किसी ना किसी की मदद जरूर हो जाएगी। हाँ जी अवियरी, किसकी बात हो रही है, पक्षियों की, तो बिल्कुल सही आंसर मुझे दे दिया गया है, अवियरी। अपियरी आता है बच्चों मधुमक्खियों के लिए, अपियरी शब्द किसके लिए आता है, मधुमक्खी पालन के लिए, स्टेबल घोड़ों के लिए यूज होता है, घोड़े के लिए। और सेंचुरी भी बर्ड्स की होती है, लेकिन इसमें बर्ड्स पिंजरे में नहीं होते, खुले आसमान में होते हैं। सेंचुरी भी बर्ड्स की होती है, लेकिन इसमें बर्ड्स पिंजरे में नहीं होते, खुले आसमान में होते हैं, जबकि अवियरी के अंदर किसमें है, एनक्लोजर में है, क्लोज्ड जगह पे है, वायर्स के अंदर, लोहे के जाल के अंदर, उसे कहते हैं अवियरी। तो सेंचुरी में और अवियरी में कोई डिफरेंस पूछेगा तो कैसे बताना है कि अवियरी तो वो है जहां पे पक्षी को पिंजरे के अंदर रखा जा रहा है और सेंचुरी में उसे खुला छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज बर्ड सेंचुरी। स्टेबल घोड़े के लिए आ जाएगा, और अपियरी किसको रखने के लिए, मधुमक्खियों को रखने के लिए, और अवियरी आ गया बर्ड्स को रखने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं आज की क्लास का, ये लीजिए, अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वेंडर्स होता है इधर उधर घूमे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग, और भीख मांग के अपना जीवन व्यतीत करे। ये देखो इमेज को देखो,
इस तरीके के खूब सारे छोटे छोटे बच्चे, बड़े भी, बुजुर्ग भी, मिडल एज भी, बहुत सारे लोग आपने सड़कों पे देखे होंगे हिंदुस्तान की, इधर उधर बैगिंग करते हुए, जिनका अपना कोई घर नहीं है, अपनी कोई पक्की नौकरी नहीं है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, इन सभी सेंसेस में आपका जो शब्द आता है वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं बच्चों वैग्रेंट। इसको हिंदी अगर लिखना है तो इसका हिंदी होता है बेघर। जिसके पास कोई पक्का घर बार या कारोबार नहीं है उसे कहते हैं वैग्रेंट, जो इधर उधर घूमता रहे अपना पेट भरने के लिए, अपना दिन का काम चलाने के लिए, उसे वैग्रेंट कहते हैं। इटिनरेंट होता है घुमक्कड़। इटिनरेंट होता है घुमक्कड़। घुमक्कड़ यानी जो शौक से इधर उधर घूमता है, जर्नी करता है, यात्रा करता है, मजे लेता है, दैट इज इटिनरेंट घुमक्कड़। माइग्रेंट होता है जो स्थानांतरण, स्थानांतरण स्थान का परिवर्तन कर ले। अब देखो इतनी बड़ी हिंदी तो लिखना पॉसिबल है नहीं, तो स्थान परिवर्तन लिख दिया है मैंने। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेते थे ना जब स्कूल चेंज कर लेते, तो वही है, माइग्रेट हो गए हो आप, आपने जगह बदल लिया, आपने स्थान बदल लिया, दैट इज माइग्रेट। और ट्रॉन्ट होता है भगोड़ा, जो क्लासेस को बंक करता है। आप किसी उम्र के बच्चे जो क्लास छोड़ के भाग जाते हैं ना इधर उधर, समोसे कचौड़ी पकोड़े खाने, और टीचर पढ़ा रहा होता है तो चुपके से निकल जाना, इज ट्रॉन्ट। तो ट्रॉन्ट शब्द दिखाएगा बच्चों भगोड़े को। जी, ट्रॉन्ट शब्द दिखाएगा भगोड़े को। माइग्रेंट शब्द दिखाएगा जगह बदल ली है जिसने इधर से उधर। पक्षी भी होते हैं माइग्रेंट, बर्ड्स होते हैं जो सीजन के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं, तो उसे माइग्रेंट कहते हैं। इटिनरेंट घुमक्कड़ को कहते हैं जो शौक के लिए इधर उधर यात्रा करे। और वैग्रेंट इनको कहते हैं जिनका ना तो घर बार फिक्स है ना काम फिक्स है, पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं, उन्हें वैग्रेंट कहा जाता है। तो मीनिंग हो गया हिंदी में बेघर, और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था, अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम, जिसका कोई अपना फिक्स घर नहीं है और रेगुलर वर्क कोई काम नहीं है। वो वेंडर्स, वेंडर्स होता है बिना काम के इधर उधर भटकना। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बैगिंग, बैगिंग होता है भीख मांगना, जो भीख पर ही जीवित है उन्हें कहते हैं वैग्रेंट। आज की क्लास का तीसरा शब्द ले लिया है बच्चों, लाइबल टू ब्रेक इजिली। ये देखो जवान बच्चों का दिल बड़े जल्दी टूट जाता है ना, तो इसलिए मैंने इसमें दिल की इमेज लगा रखी है। लाइबल टू ब्रेक इजिली का मतलब कोई ऐसी चीज जो फटाफट टूट जाए, बड़ी नाजुक सी हो, बड़ी क्या बोले, छुई मुई टाइप किसी हो। तो हमारी सी, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जवान सी उम्र के लड़का लड़की होते हैं, तो थोड़ा सा भी कुछ कह दो तो बड़ी जल्दी दिल पे लग जाता है, ईगो पे लग जाता है, तो उस सेंस में मैंने दिल की इमेज लगा रखी है। वैसे कांच के सामान को, नाजुक से किसी भी सामान को जो आसानी से टूट जाए, उसे आप कह सकते हो ब्रिटल। या इसी के लिए शब्द आता है बच्चों फ्रेजाइल। मैंने कहा था ना आज की क्लास में हम सिनोनिम सपोजिट सबकी बात कर लेंगे, तो वन वर्ड्स के साथ ही हम कई सारे काम करने वाले हैं। तो ब्रिटल का मतलब क्षण भंगुर होता है। होलदामी, ये कैसा नाम है भाई। गुड इवनिंग सोनिया भोरिया जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इंदु, गुड इवनिंग आबिद, सुरेश, हाँ जी सभी आंसर्स दें, ज्यादा मजा आएगा। नवल, यस बेटा दिल ऐसे ही टूटता है आप किसी उम्र के बच्चों का, तो नाजुक क्षण भंगुर जो चीज आसानी से टूट जाए उसे हम कहते हैं फ्रेजाइल। सॉफ्ट मुलायम सी चीज को कहते हैं बेंट, मुड़ा हुआ या झुका हुआ ऐसे थोड़ा सा, दैट इज बेंट। और थिन, चपटा पतला, पेपर जैसा, पेपर जैसा चपटा पतला कोई भी चीज, दैट इज थिन। बहुत ही ज्यादा पतली चीज को थिन कहते हैं, और बहुत ही ज्यादा मोटी चीज को थिक कहते हैं। एक इडियम भी होता है थ्रू थिक एंड थिन, एक मुहावरा भी होता है थ्रू थिक एंड थिन, जो आपके मोटापे में भी आपके साथ है और जब आप पतले हो तब भी आपके साथ है, यानी आपके अच्छे समय में भी आपके साथ है और आपके बुरे समय में भी आपके साथ है, तो उसे कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन, आपका परम मित्र जो अच्छे और बुरे हर तरीके के समय में आपका साथ निभाए। बाकी थिन का मतलब चपटा और थिक का मतलब मोटा, सॉफ्ट का मतलब मुलायम, पेंट का मतलब झुका हुआ, मुड़ा हुआ, स्लांट कल शब्द कराया था मैंने, और ब्रिटल जो आसानी से टूट जाए, जल्दी से टूट जाए, फटाफट टूट जाए, ब्रिटल या फ्रेजाइल। कांच के सामान को कहते हैं ब्रिटल या फ्रेजाइल। हाँ जी बच्चों आंसर बताने की कोशिश करें, आपस की चैट बंद करें।
सारे बच्चे आपस की चैट बंद करके आंसर्स बताने की कोशिश करें मुझे, तो ही मजा आएगा। ये आप लोगों की डिमांड थी मैम, चार ऑप्शन आए हम आंसर बताएं तो बड़ा मजा आए, तो अब मजे लो, सही आंसर बताओ और अपने आप को जज करो सभी बच्चे। हाँ किरण बिल्कुल ऑफ कर दो बेटा कमेंट्स। हाँ जी सभी बच्चे आंसर दें प्लीज। मैम हम लाइक करके आए हैं, ओके दिलीप सेन जी थैंक यू। सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे, आपस में हाय हेलो बंद करो, आपस की हालचाल बंद करो, ये वो दाएं बाएं ऊपर नीचे ठिस ठुस जो भी कर रहे हो सब बंद करो, और हरियाणवी में लिखना तो बिल्कुल बंद करो। आंसर दीजिए, लाइबल टू ब्रेक इजीली का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट आपके सामने, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, एक ऐसा इंसान जो मैप बनाने का काम करता है, ग्राफ का मतलब ही मैप होता है वैसे तो, बाकी सही आंसर हो गया है कार्टोग्राफर, ग्राफ का मतलब ही मैप हो जाता है, तो सही आंसर हो गया बेटा कार्टोग्राफर, जो ग्राफ्स बनाए ठीक है पेपर के ऊपर जो मैप्स को ड्रॉ करे उसे कह देते हैं कार्टोग्राफर। कैलीग्राफर कहते हैं हैंडराइटिंग जिसकी सुंदर सुंदर हो, हैंडराइटिंग का जो एक्सपर्ट होता है उसे हम कहते हैं कैलीग्राफर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी कंपाइल करने का एक्सपर्ट, ये जो लेक्सिकोग्राफर शब्द है ये डिक्शनरी से कनेक्टेड है, डिक्शनरी जो लिखता है, डिक्शनरी जो बनाता है, डिक्शनरी जो कंपाइल करता है उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। कोरियोग्राफर जो डांस आपको सिखाए उसे कहते हैं कोरियोग्राफर, डांस सिखाए जो कोरियोग्राफर, डिक्शनरी के शब्दों को लिखे कंपाइल करे लेक्सिकोग्राफर, कैलीग्राफर जो साफ साफ लिखना सिखाए जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो कैलीग्राफी हो, तो ही इज कैलीग्राफर और शी इज कैलीग्राफर, और सही आंसर है कार्टोग्राफर क्योंकि हमसे पूछा था उसने प्रोड्यूसेस मैप्स। देखो वन वर्ड एक सीखते हो लेकिन चार नए शब्द आप सीखते हो, ये तरीके से सोचो तो ज्यादा मजा आएगा सीखने में। जी आर्मी लवर जी जय हिंद। हाँ कोरियोग्राफर रेमो डिसोजा, ठीक है बिल्कुल मान लिया बींग अनुज जी कोरियोग्राफर, बहुत अच्छा समझा रहे हो आप। अच्छा जी संदीप कुमार गुप्ता जी शुक्रिया, मटका सिखाया मटकना सिखाए, अच्छा मतलब किसी को तो अच्छी नजरों से देख लिया करो भाई, अंग्रेजी वालों को तो देखते नहीं हो, औरों को तो थोड़ा सा देख लो। मटकना सिखाए है मतलब मटकना कोई आसान बात लगती है आपको? हर काम एक्सपर्टीज के बिना बेकार होता है ठीक है, तो बिल्कुल किसी किसी के प्रोफेशन के किसी के काम का मजाक ना बनाया करो। चलिए तो कार्टोग्राफर आपका सही आंसर हो गया, कोरियोग्राफर को ज्योति जून कह रही है जो मटकना सिखाए, और बाकी मटकना तो हमें पैदाइश आता होता है, जो ढंग से मटकना सिखाए कम से कम ऐसा लिखो, तो ही इज कोरियोग्राफर, कैलीग्राफर हैंडराइटिंग और लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी। अगला शब्द ला रही हूँ बच्चों ये लीजिए, वन हु वॉक्स इन स्लीप, ये देखो ऐसा कोई अपने आसपास आपको टकराया हो तो बताओ मुझे। हाँ मैंने आज ही सिखाया था डिसेंट बॉय, मेरी ही क्लास में चिपका रहा है, इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैंने जब ये रिकॉर्ड किया था ना तो सिचुएशन पता है क्या है, आई वॉज टेकिंग टी और एक बच्चा सामने खड़े रह के, यूट्यूब का ही बच्चा था, मिलने आया हुआ तो ही स्टार्टेड टेलिंग अबाउट कि पहले ऐसा लगता था, डर लगता था, अभी इजी लग रही है, आसान लग रही है, बाकी पहले मुझे बड़ी मुश्किल लगती थी, तो मुझे लगा बहुत सारे बच्चों को ये लाइन यूज करनी पड़ती होगी, इंग्लिश बड़ी मुश्किल लगती है, मजा नहीं आता है या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो इसी को सिखा दूं जरा इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो वो मुझे कप ऑफ टी से वो याद भी आ गया था बिकॉज आई वॉज टेकिंग टी, तो इसलिए मैंने वो छोटी सी वीडियो बना दी थी। चलिए तो बाकी इट इज नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है, ये होता है इसका मतलब, ये मेरे बस की बात नहीं है। बाकी वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चले, ये देखो जो नींद में चले, बिस्तर से उठे आंख बंद करे और चल पड़े और पड़ोसियों के घर जाके सो जाए, तो उसे कहते हैं वन हु वॉक्स इन स्लीप, तो सही आंसर है बेटा सोमनेम्बुलिस्ट। देखो सोमन का मतलब ही स्लीप होता है, ओमनी का मतलब ऑल होता है, पोटेंट का मतलब पावर होता है, तो ओमनीपोटेंट ऑल पावरफुल को कहते हैं, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, भगवान के लिए ये शब्द यूज होता है। फिलो का मतलब लव होता है, एंथर का मतलब ह्यूमन होता है, तो इंसानी जाति से प्यार करने वाले को कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। पेड का मतलब चाइल्ड होता है, चाइल्ड पेडेस्ट्रियन, अच्छा ये तो पांव के सेंस में ले रखा है,
क्योंकि पेड का एक मतलब पांव भी होता है, फुट, माय फुट नहीं कहते, माय फुट मेरा पांव, मेरे पैर की जुत्ती, उस सेंस में माय फुट आता है। तो फुट शब्द के लिए भी पेड वर्ड आता है और चाइल्ड के लिए भी पेड वर्ड आता है। तो पेडेस्ट्रियन होता है पैदल चलने का रास्ता या पैदल चलने वाला, पेडेस्ट्रियन। आई ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश बट वेन आई स्टार्ट माई फ्रेंड सेज डोंट बी अंग्रेज। यस बेटा, वी लिव इन अ काइंड ऑफ एनवायरमेंट, इफ वी स्पीक देन दे कैन नॉट एक्सेप्ट एंड इफ वी डोंट स्पीक देन दे इंसल्ट अस। तो ऐसे से एनवायरमेंट में वी लिव इन, बट डजेंट मैटर, ट्राई टू स्पीक, अ डे विल कम दे विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग योर टैलेंट एंड नॉलेज। चलिए, तो ओमनी मीन्स ऑल, इम्पॉर्टेंट मीन्स पावर, तो ओमनी पॉटेंट ऑल पावरफुल। सोमन का मतलब ही सोना होता है, सोमनैम्बुलिस्ट नींद में चलने वाला, और सोमनीलोक्विस्ट नींद में बातें करने वाला। ऑप्शन में नहीं है, एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूँ। सोमन का मतलब सोना, लोकवी का मतलब बात, तो सोमनीलोक्विस्ट जो नींद में बातें करे, सोमनैम्बुलिस्ट जो नींद में चले, बाकी पेडेस्ट्रियन पैदल, फिलेंथ्रोपिस्ट इंसानी जाति से प्यार करने वाला, समाज सेवक को कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, जो समाज की सेवा करने में विश्वास रखता है उसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक हो गया बेटा, इंग्लिश नहीं आती शिवानी को और उसके पास बुक भी नहीं है। शिवानी बेटा, या तो ई बुक्स आप पढ़ सकते हो, वेटिकन ऐप पे मिल जाएगी, वेटिकन के नाम से हमारा ऐप है बेटा, उस ऐप को आप डाउनलोड करो। उसके अंदर ई बुक्स के सेक्शन में ना छोटी छोटी काफी बुक्स मैंने बना रखी हैं, उन्हें आप देख सकते हो, 20-20, 30-30 रुपए, 35-40 रुपए, इस तरीके से आपको मिल जाता है। और बाकी स्क्रीन पे स्क्रॉल भी आ रहा है नीचे कि डाउनलोड वेटिकन ऐप, तो वहां पे आपको ई बुक्स मिलती हैं। और ये जितना भी यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ बेटा, ये फाइल नेहा मैम कंप्लीट शो के नाम से है, बैच क्रिएट कर रखा है नेहा मैम कंप्लीट शो के नाम से, वेटिकन ऐप के ऊपर ही, तो फ्री में ये सारा मटेरियल आपको अवेलेबल होता है, सारी की सारी वहां पे क्लासेस। यूट्यूब का भी एक कॉलम मैंने ऐप पे बनाया हुआ है, उस पर क्लिक करो, आपको यूट्यूब की भी सारी क्लासेस एक ऑर्डर में एक साथ मिल जाएंगी वेटिकन ऐप पे। और कुछ बैचेस भी है अपकमिंग एग्जाम के हिसाब से, एमटीएस का बैच है, दबंग बैच है कमांडो के हिसाब से, तो काफी सारे वर्दी बैचेस भी आपको बहुत नॉमिनल और कम फी पे मिल जाएंगे। बाकी मर्जी आपकी है, फ्री वाला मटेरियल भी अवेलेबल है, कहीं ये सोचो कि मैं बेच रही हूँ, ठीक है? तो पहले फ्री वाली चीज बताइए, इसमें तसल्ली ना हो तो आप, हर तरीके की चीजें अवेलेबल हैं ऐप के ऊपर। अगर ऐप डाउनलोड कर लो और कोई दिक्कत आए तो ये नंबर है, लेकिन अभी फोन मत मिलाने लग जाना कृपया करके, क्योंकि अभी स्टाफ सो रहा होगा ना, वो भी इंसान है, नींद आ रही होगी, उसको भी सो गए होंगे सारे, तो सुबह 9 से शाम 5 बजे में कॉल करें। चलिए, तो वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, एक ऐसा इंसान, ये देखो ये गिरने वाला है और ये इसका हाथ थामे हुए और ये इसका हाथ थामे हुए, तो आपका आपका वन वर्ड कह रहा है, वन हु हेल्प्स अ पर्सन, जो एक इंसान की मदद करता है जब उसको जरूरत हो उस समय पर, जब एक इंसान की आप मदद करते हो वो भी उस समय पर जब उसको आपकी जरूरत है, तो उसे क्या कहा जाना चाहिए? समैरिटन, समाज की सेवा करने वाला, इंसानी जाति की मदद करने वाला, निस्वार्थ भाव से मदद करने वाला, इन सारे सेंस में आपका आंसर होता है समैरिटन। अगर हिंदी चेक करोगे तो समाज सेवक आपको इसकी हिंदी मिलेगी, समाज सेवक। वेटरन होता है अनुभवी, जिसके पास जीवन का खूब बढ़िया सा अनुभव है उसे कहते हैं वेटरन, अनुभवी। कोलैबोरेशन, तो दो चीजों का आपस में मिल जाना, कंपनियों का, वेंचर्स का, छोटी छोटी शॉप्स का, किसी भी तरीके से आपस में जुड़ जाना इस कोलैबोरेटिव। मर्सिनरी, पैसे से संबंधित, स्वार्थी सा इंसान जो सब कुछ पैसे के लिए करता है। मर्सिनरी पैसे का, इसका मतलब होता है पैसे का आदमी है वो, तो बिना पैसे के वो किसी से बात नहीं करता, तो मर्सिनरी पैसे से संबंधित है। समैरिटन समाज सेवक को कहते हैं, कोलैबोरेटर आपस में जुड़ जाना, और वेटरन होता है अनुभवी। देखो, हर वन वर्ड के चारों ऑप्शन को बहुत तसल्ली से समझाऊंगी, यही तो सिनोनिम्स हैं, और है क्या, सिनोनिम्स में क्या होता है, शब्द का ही तो लगभग सेम आपको ढूंढना है, तो शब्द ही सीख रहे हो आप इसमें, साथ में वन वर्ड का भी आंसर होता जा रहा है, ठीक है? तो ये 2-in-1 फाइल हम बना के लाए हैं आपके लिए। तो वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड का आंसर हो गया सी,
बाकी वेटरन फिर बता रही हूँ, अनुभवी कोलैबोरेटर जो जुड़े हों मर्सनरी पैसे के लिए जो करे। आंसर दोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैम एक बार बोल दो कि क्लास को लाइक और शेयर कर दे। चलो जी, नवल एक रेगुलर विद्यार्थी है, शायद ही कभी नवल और सुरेश ने छुट्टी की होगी। सुरेश फ्रॉम फेसबुक और नवल फ्रॉम यूट्यूब। तो राजस्थान से ये बच्चा है, क्लास लगा रहा है। अब ये इतना दिल से कह रहा है तो मैं आप सबको कह रही हूँ कि लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है। शेयर करने को इसलिए कह दिया है कि वकैब है, पता नहीं किसके काम कहाँ पे आ जाए, है ना। तो ये भलाई का काम होता है इंग्लिश सिखाना। अगर हरियाणा के बच्चे को इंग्लिश आ जाए तो छोटी मोटी नौकरी की तरफ वो देखे भी नहीं, सीधा अफसर लगेगा। तो कोशिश करो मेरी मुहिम में मेरा साथ निभाएं और इंग्लिश का डर भगाएं, अपने आसपास के समाज से इंग्लिश का डर भगाइए। चलिए, तो सही आंसर हो गया समैरिटन। बोल दिया नवल बेटा, आपने कहा था इसलिए मैंने बोल दिया, अच्छे से क्लियर हो रहा है। हाँ बेटा, आज फाइल मैंने आप सबके हिसाब से अरेंज कराई है, बड़ी मेहनत लगती है, इमेज भी लगानी है, शब्द रंग बिरंगे प्रीवियस ईयर भी लिख के लाई हूँ, ताकि किसी को यूं ना हो कि झूठ बोल रही हूँ पिछले सालों के, असली में ही प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। 2021 के सारे करा चुकी थी, 20, 19, 18, 17 की ये फाइल है। चलिए, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, देखा होगा पेटेंट, जैसे वेटिकन को हमने पेटेंट करा रखा है, ये नाम को कोई और यूज नहीं कर सकता है। तो पेटेंट का मतलब किसी ब्रांड को, किसी ब्रांड नेम को अपने नाम पर करा लेना, ताकि कोई और उसको यूज ना करे। जैसे आपके किले, आपकी धरती आपके नाम होती है, तो वैसे ही वेटिकन नाम हमारे नाम है, तो ये हमारी धरती है। बड़ी मेहनत से एक नाम को बनाया जाता है बिजनेस में, तो इसलिए पेटेंट कराए जाते हैं नाम। हेयरलूम किसको कहते हैं? देखो, ये जो एयर होता है ना, एयर, इसका मतलब उत्तराधिकारी होता है। तो कोई ऐसी चीज जो कई सालों से आपके पुश्तैनी, यूं नहीं कहते, ये पुश्तैनी हवेली है, ये पुश्तैनी कंगन है, ये पुश्तैनी हार है, ये पुश्तैनी साड़ी है, मेरी दादी की दादी की दादी ने पहनी, फिर दादी ने, फिर दादी ने, फिर दादी ने, फिर दादी ने, फिर मम्मी ने, ऐसे इस तरीके से जो चीज चलती आ रही है उसे एयरलूम कहते हैं। अब पुश्तैनी लिख लो आप हिंदी में अगर आप समझना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई भी ऐसी वस्तु जो कई सालों से आपके परिवार में है और आगे से आगे आगे से आगे दी जा रही है। जनरली बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ये कंगन, ये हार, ये चैन, ये अंगूठी, इस तरीके से बोल के देते हैं कि ये हमारी पुश्तैनी अंगूठी है बहू, तो वही वाला पुश्तैनी शब्द होता है एयरलूम। कॉपीराइट होता है कंटेंट्स का। बच्चे को ना बहुत बार पेटेंट और कॉपीराइट का फर्क नहीं पता होता। कंटेंट्स यानी जो बुक्स होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, मूवीज होती हैं, उन्हें कॉपीराइट किया जाता है, उन्हें पेटेंट नहीं। पेटेंट होता है नाम का और कॉपीराइट होता है काम का, ठीक है। तो जो कंटेंट्स आप अपने नाम पे करा लेते हो ना, उन्हें कॉपीराइट कहा जाता है। इनहेरिटेंस वंशानुगत, जो आपके वंश में चलते आ रहे हैं, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो विचार हो, जो आपको अपने माँ बाप से मिलते हैं, आपके माँ बाप को उनके माँ बाप से मिलते हैं, इस तरीके से जो चीज हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में डाली गई है, दैट इज इनहेरिटेंस, जो वंशानुगत चलती आ रही है। तो सही आंसर था बच्चों हमारा पेटेंट। सही आंसर क्या था? पेटेंट। जल्दी बताओ, यहां तक का सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी, एक ई बुक बना रही हूं मैं, एक ई बुक बनाई जा रही है, जल्दी ही आपको सैटरडे संडे से पहले पहले मैं शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगी कि कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। उसमें सारे प्रीवियस ईयर एक साथ डाल दूंगी मैं, एक ही ई बुक में आंसर्स के साथ, ठीक है। तो जल्दी ही ये काम पूरा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वीनू नंदा जी, यहाँ तक बताएं। फतेहाबाद हरियाणा से सुरेश कुमार जी हैं, ठीक है। सुरेश फ्रॉम कैथल। नमस्ते सोमबीर राठी जी। मैम इतने क्यूट कैसे हो आप? अच्छा, ये तो पहली बार किसी ने कहा है भाई। थैंक यू, बड़ा ही मन गार्डन गार्डन हो गया आपकी ये बात सुन के। एक बच्चे ने मुझे आज मैसेज किया हुआ था कि ये वाली क्लास देख के ना मन गार्डन गार्डन हो गया, तो मैंने उस बच्चे से सीख लिया है, बाग बाग होना को वो कह रहा था गार्डन गार्डन हो गया, तो अभी मेरा भी मन गार्डन गार्डन हो गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैम आप क्या पढ़ा रहे हो? मैं उर्दू पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश में कन्वर्ट कर रही हूँ उसको। बेटा इंग्लिश की क्लास है, रोज रात को 9 बजे चैनल पे लाइव आती हूँ, बच्चों की डिमांड पे वोकैब कराने लग रही हूँ, और वोकैब में वन वर्ड के सेक्शन के साथ साथ सिनोनिम समझाने लग रही हूँ, ठीक है। बाकी फाइल के बाहर मैंने वन वर्ड से लिखा हुआ है।
सोल राइट टू मेक एंड सेल पेटेंट हो गया. नेक्स्ट वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स. देखो ये लड़की किताबों के बीच में तुम्हें दिख नहीं रही होगी तो मैं सर्कल करके दिखा देती हूँ. ये देखो बच्चों इतना पढ़ाकू इंसान धरती का, बताओ ये क्या बनेगा? बताओ जल्दी सारे बताओ, जो इतनी किताब पढ़ेगा वो क्या बनने वाला है? वो इंसान कौन सी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा? देखें आप सबका जवाब क्या आता है. आई एम फ्रॉम यमुना नगर. ओके शिव गंगा जी. मैम येलो वाली गया ऊपर गया, येलो वाली बुक पर पीडीएफ दे दो, उसमें ना करेक्शंस बाकी हैं बेटा. मैं दे तो सकती हूँ लेकिन उसमें मिस्टेक्स मिलेंगी कुछ, तो जितना सा टाइम मिलता है करेक्ट कर रही हूँ. करेक्ट होते ही जरूर मैं उसको अपलोड कर दूंगी ई बुक्स में, डोंट वरी. ए टू आंसर दे दिया बेटा मैंने, तरीका जबरदस्त है हरियाणवी साहब. ओके शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आप सब जबरदस्त हो, फोन में टाइम पास करने की बजाय कक्षा लगा रहे हो वो भी अंग्रेजी की, तो जबरदस्त आप सब है, मैं नहीं. हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, सही आंसर. मीठा जहर, मतलब क्या क्या बात लिखते हो ना, क्या क्या नाम है, कमाल हो आप सब, बिल्कुल सही. मुझे ये बताओ कि इतनी किताबें पढ़ने वाला इंसान बनेगा क्या? कौन सी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा? अच्छा मेंटल हॉस्पिटल पहुंचेगा. वाह क्या जवाब है, मेंटल हॉस्पिटल पहुंचेगा. एक बच्चा ये कह रहा है पता नहीं मैम क्या बनेगा, अमित ने तो पल्ला ही झाड़ दिया, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, जिसको जो बनना है बनो. किताबी कीड़ा, बिब्लियोग्राफी तो किताबों की लिस्ट होती है. पागल खाने अगर नौकरी नहीं लगी. राज सोरखी फ्रॉम फेसबुक कहने लग रहा है पागल खाने अगर सरकारी नौकरी नहीं पहुंची लगी तो. मतलब हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मैं तो पैदा ही हुआ था नौकरी लगने के लिए. अरे नौकरी आपके लिए बनी है, आप नौकरी के लिए थोड़ी ना बने हो. ऐसे थोड़ी हिम्मत हारते हैं, मतलब मुझे तो मर जाना चाहिए फिर. कमाल बात करते हो कभी कभी. चलिए तो वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ पुस्तक्स, बुक्स का पक्का प्रेमी. आ जाओ देखते हैं आंसर आप सबका सही है, बिब्लियोफाइल. क्योंकि बिब्ली शब्द का मतलब ही होता है बुक, और फिलो शब्द का मतलब ही होता है लव. ज़ेनो शब्द का मतलब होता है विदेशी या अजनबी, और फिलो का मतलब होता है लव. तो ज़ेनोफाइल आता है विदेशियों से प्रेम. हेमो जो शब्द है वो ब्लड को दिखाता है, ये ब्लड की बीमारी होती है. हेमोफाइल ब्लड की बीमारी होती है. पेड का मतलब चाइल्ड होता है और फिलो का मतलब लव. तो लवर ऑफ चाइल्ड, लवर ऑफ बच्चा इज पेडोफाइल. तो बच्चा प्रेमी पेडोफाइल, खून की बीमारी हेमोफाइल, ज़ेनोफाइल अजनबियों से प्यार. कुछ लोग बाहर घूमने जाएंगे और जहां कोई अंग्रेज दिखेगा उसको फट से रिक्वेस्ट करके सेल्फी ले लेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे मेरा पक्का दोस्त कई सालों में जो मुझसे मिला. अंग्रेज के साथ फोटो खिंचाएंगे और उसको अपना पक्का दोस्त कह रहे होंगे, मिले होंगे एक सेकंड पहले उससे. तो वो ऐसे लोग होते हैं जो आकर्षित हो जाते हैं विदेशियों की तरफ. तो जो विदेशियों की तरफ आकर्षित होते हैं उन्हें कहा जाता है ज़ेनोफाइल, बाकी ज़ेनोफिलिक कहा जाना चाहिए. बिब्लियोफाइल लवर ऑफ बुक्स. तो सही आंसर हो गया बिब्लियोफाइल. जल्दी से बताओ यहां तक का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट लिखो डन 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 अगर क्लैरिटी आ रही है तो. बिब्लियोग्राफी होता है किताबों की एक लिस्ट, बिब्ली मतलब बुक और ग्राफी मतलब लिस्ट, तो किताबों की एक लिस्ट को कहते हैं बेटा बिब्लियोग्राफी. रूट वर्ड की क्लास भी मैंने इसी चैनल पे ले रखी है, आप देख सकते हो. ये जो मैं बताने लग रही हूँ ना, फिलो मतलब लव, बिब्ली मतलब बुक्स, ऐसे 50 से 100 रूट वर्ड्स हैं और 60 से 70 मैंने यूट्यूब पे करा रखे हैं इसी चैनल पे, आप एक ही क्लास में सारे देख सकते हो. तो ऐसे बड़े आराम से आपसे हो जाएंगे. नेक्स्ट बच्चों, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. ये देखो इसमें मैंने एक लड़की की इमेज लगाई है क्योंकि जनरली समाज में ऐसा कहा जाता है कि इन्हें कोई संतुष्ट नहीं कर सकता. ठीक है, तो ऐसा इंसान जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं इनसेटिएबल, जिसे कभी भी संतुष्ट ना किया जा सकता हो. सेटिएबल जिसे संतुष्ट कर सकते हैं और इनसेटिएबल जिसे संतुष्ट नहीं कर सकते हैं. नवल कह रहा है मुझे तो बहुत सारे पैसे कमाने हैं. ओके बापू से लव के लिए फादर फाइल नहीं पेट्री. पापा के लिए रूट आती है पेट्री, मम्मी के लिए रूट आता है मैट्री. तो अपने शब्द मत बनाओ फादर फाइल. पापा के लिए रूट वर्ड पेट्री आता है, मम्मी के लिए मैट्री आता है.
सिस्टर के लिए सौर्यो आता है, SORY। और किसके लिए पूछ सकते हो आप मुझसे? पत्नी के लिए जोरी आता है, जोरी साइड, जोरी वाइफ को दिखाता है ये रूट। और जोरी साइड एक शब्द आता है, पत्नी की हत्या, पत्नी की किलिंग। एक बच्चे ने मुझसे पूछा हुआ था, कौन सी वीडियो के नीचे पूछा था पता नहीं, कि अगर वाइफ का मर्डर करना हो तो क्या शब्द आएगा। मैंने कहा भाई कर मत देना, बाकी मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी इस पे। तो सॉरी साइड आता है अगर वो बच्चा क्लास देख रहा है तो। पत्नी की हत्या के लिए, माँ की हत्या मैट्रिसाइड, पिता की हत्या पैट्रिसाइड, क्योंकि साइड का मतलब किलिंग होता है, साइड शब्द का मतलब होता है बच्चों किलिंग, ठीक है। ब्रदर के लिए फ्रेट्रिसाइड, मतलब सबको मारोगे, किसी को तो रख लो अपने साथ। फ्रेट्री, FRA, फ्रेट्री, तो फ्रेट्रिसाइड ब्रदर के लिए आता है। हाँ जी सोरियो सिस्टर के लिए आता है। आई एम गुड पंकज गोयल जी, आई एम मस्त। ब्रदर के लिए फ्रेट्रिसाइड जी, बिल्कुल FRATRI, बिल्कुल सही लिखा है आपने, इनक्रेडिबल। फ्रेट्री भाई के लिए जी, भाई गर्लफ्रेंड के लिए कोई नहीं आता है, गर्लफ्रेंड को बाद में पत्नी समझ के जोरी साइड ही कर लेना आप। गर्लफ्रेंड के लिए कोई शब्द नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है। चलिए, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसेटिएबल हो गया। ये लो गर्लफ्रेंड को ये कह देना इनसेटिएबल है, तेरे को तू तो कभी राजी नहीं होती, कभी संतुष्ट नहीं होती, तो इनसेटिएबल यूज कर लेना गर्लफ्रेंड के लिए। इनक्रेडिबल होता है शानदार, शानदार। आजकल एक नारा लगाया जा रहा है इनक्रेडिबल इंडिया, जबरदस्त इंडिया। इम्प्रोबेबल, इसका मतलब होता है जिसके होने की संभावना बहुत कम है, जिसके होने की संभावना ना बराबर है। मैंने नए संभावना लिख दिया या असंभव लिख सकते हो। इम्प्रोबेबल, जिसके होने की संभावना बहुत ही कम है। इम्पॉसिबल होता है असंभव, असंभव यानी हो ही नहीं सकता। इनप्रोबेबल मतलब हो तो सकता है पर संभावना बड़ी कम है, 10 में से मतलब 5-4% संभावना है कि हो जाएगा, दैट इज इम्प्रोबेबल। और इम्पॉसिबल भाई होना ही तो नहीं है, तो इट इज इम्पॉसिबल। और सही आंसर था इनसेटिएबल, जिसे संतुष्ट ना किया जा सके। यस पीकू, लो जी नेक्स्ट। अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कोई ऐसा व्यापार जो सरकार या कानून के हिसाब से प्रतिबंधित है, जिस पर निषेध है, और वो है रिश्वत लेना, रिश्वत देना, दहेज लेना, दहेज देना, लेकिन फिर भी ये लेन देन चलता है ना दुनियादारी में। तो ऐसी हर वो चीज, ऐसा हर वो काम जो सरकार करने के लिए मना करती है, उसे कहा जाता है बच्चों इलिसिट, गैर कानूनी। इलिसिट की हिंदी बनेगी क्या? गैर कानूनी। मात्रा इधर उधर हो तो भाई बुरा मत मानना, बहुत सालों में हिंदी लिखने लगी हूँ आपके डिमांड पे, बोल तो सकते हैं, लिखने में थोड़ा मात्राएं इधर उधर हो जाती हैं। इनेप्ट होता है अयोग्य, जो किसी काम के योग्य ना हो। कभी किसी को कहना निकम्मा, निठल्ला, नकारा, तो उसे कह सकते हो इनेप्ट, जो माँ बाप हमें कह रहे होते हैं जनरली, तो इनेप्ट शब्द यूज होता है अयोग्य, जो किसी काम का ना हो उसके लिए। इल्यूसिव, एग्जाम्पल देने लायक, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने हुए हैं, उसे इल्यूसिव कहते हैं। इनक्रेडिबल अभी पीछे भी आया था, शानदार, जबरदस्त, सुपर, धमाकेदार, धाकड़, धासु, इन सभी सेंस में आता है इनक्रेडिबल, ठीक है बच्चा। मैम रियली यू टीच वेरी गुड, ओके रजनी स्टडी देवी जी, शुक्रिया। इलिसिट लीकर भी होता, हाँ बहुत चीजें हैं बेटा, तो धरती में पता नहीं क्या क्या कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, पर सब अवेलेबल है फिर भी। चलिए, तो इनक्रेडिबल शानदार, इल्यूसिव एग्जाम्पल बन गया हो जो दूसरों के लिए, इनेप्ट अयोग्य, इलिसिट गैर कानूनी, तो आपका सही आंसर है इलिसिट गैर कानूनी। नेक्स्ट बच्चों, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ये देखो ऐसी भाषा जो हमारी समझ के बाहर है। हमारे सामने उर्दू लिख दी जाए समझ नहीं आएगी, पंजाबी लिख दी जाए समझ नहीं आएगी, हर वो चीज जो हमें समझ में ना आए, हर वो चीज जिसे समझना मुश्किल हो, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा ना जा सके, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे समझा ना जा सके,
और जिसे समझाया ना जा सके इनएक्सप्लिकेबल, जिसे समझाया ना जा सके इनएक्सप्लिकेबल, जिसे समझा ना जा सके इनकॉम्प्रिहेंसेबल, इनलेजिबल होती है बहुत ही बेकार हैंडराइटिंग, बड़ी गंदी लिखाई को कहते हैं इनकॉम्प्रिहेंसेबल, बड़ी गंदी लिखाई को कहते हैं इनकॉम्प्रिहेंसेबल, इनफेलिबल होता है जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो, जिसने आज तक कोई गलती ना की हो, जिससे कोई मिस्टेक ना हुई हो, उसे कहते हैं इनफेलिबल। बच्चों एकदम से हिचकी आने लग गई थी, इसीलिए मैं थोड़ा एक तरफ होके पानी पी रही थी, पर रुकी नहीं है। चलो आगे शुरू करते हैं। आए, आपका इंतजार था। हाँ जी, इलेजिबल डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग को कहते हैं जिसे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल सा होता है, समझ में नहीं आता है, दैट इज इलेजिबल, बड़ी गंदी हैंडराइटिंग। इनकॉम्प्रिहेंसेबल, जिसे समझ नहीं सकते। पी रही हूं। अच्छा, बेटी याद कर रही है, हो सकता है, बाकी बेटी से तो एक ही कदम की दूरी पे हूँ, इस दीवार के उस तरफ वो है और दीवार के इस तरफ स्टूडियो है। अच्छा एटू साहब, शुक्रिया। जिस दिन वो कैब और इंग्लिश से लव हो गया, उस दिन जीवन को आपसे लव हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आप हिचकी अगर रुक जाती है तो। बाकी हमारा सही आंसर है इनकॉम्प्रिहेंसेबल। नेक्स्ट, समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, कोई ऐसी चीज जो खाने के लायक हो उसे एडिबल कहते हैं, खाने योग्य। एडिबल की अगर हिंदी हमें लिखनी हो तो खाने योग्य, खाने लायक, डिलीशियस, टेस्टी, यम्मी, इसे कहते हैं स्वादिष्ट। कुछ गलत हो गया, स्वादिष्ट। चलो भाई काम चला लेना, स्पेलिंग दाएं बाएं हिंदी में हो ही जाती है। डिलीशियस और टेस्टी, यम्मी, स्वादिष्ट को कहेंगे। अनप्लेटेबल होता है जो खाने लायक ना हो, यानी ये इसका अपोजिट हो सकता है। कोई ऐसी चीज जो खाने के लायक नहीं है, सड़ गई है, गल गई है, खराब हो गई है, प्लेट में परोसने लायक नहीं रही, उन सभी सेंसेस में आता है अनप्लेटेबल। तो एडिबल का अपोजिट हो सकता है अनप्लेटेबल, ठीक है। बाकी एडिबल खाने लायक, डिलीशियस स्वादिष्ट, टेस्टी भी स्वादिष्ट, और अनप्लेटेबल जो खाने लायक ना हो, स्वादिष्ट ना हो, प्लेट में डाल के देने लायक ना हो, इस सब सेंस में आता है, ठीक है। हाँ, मीठा जहर एडिबल हो सकता है, जब जहर मीठा ही हो गया तो बिल्कुल। अच्छा, कोका कोला एडिबल में एग्जाम्पल दे रहे हो क्या? सैनी के समोसे, मैंने तो सोम के समोसे सुने हैं भाई, सैनी के समोसे तो पहली बार सुने हैं। अच्छा, कैथल से है। रोहतक में तो भाई डी पार्क के एरिया में सोम के समोसे बड़े प्रसिद्ध हैं। थोड़ी सी बरसात होनी चाहिए, इतनी लंबी लाइन लग जाती है रोड तक कि बस आप आधे घंटे खड़े रहो, समोसे ही नहीं मिलके देंगे। 2012-13 में जब तक मैंने अपना इंस्टीट्यूट शुरू नहीं किया था, उसके समोसों का साइज ये होता था, और अभी लाओ तो ये हो गया है। हाँ, फिर भी लाइन लगती है। क्वालिटी इज ऑलवेज सुपीरियर, अगर आपकी क्वालिटी है तो वही चीज बिकती रहेगी सालों साल। चलिए, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, कोई भी ऐसी चीज जिसको पीट कर, मार कर, पछाड़ कर तारों में, वायर में बदला जा सके, उसे डक्टाइल कहते हैं। ये ना धातुओं का गुण होता है, मेटल्स की प्रॉपर्टी, करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाया जाता है कि मेटल्स आर डक्टाइल,
मेटल्स के अंदर डक्टिलिटी होती है, यानी उनकी तारें बनाई जा सकती हैं। तो डक्टाइल शब्द का मतलब होता है ये। स्मूथ का मतलब मुलायम, फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, और ब्रिटल का मतलब नाजुक, नाजुक, लचीला, मुलायम, ये लो। और डक्टाइल क्या हो गया? धातु की वो प्रॉपर्टी जिसके लिए उसे तारों में क्या लिखा है, तन्यता। अच्छा, तन्यता कहते हैं हिंदी में। मैंने साइंस जर्नली इंग्लिश में ही पढ़ी है, हालांकि हिंदी ऑलमोस्ट सी मैं ठीक ठाक सी कर लेती हूँ, पर डक्टाइल की हिंदी मुझे याद नहीं आ रही थी, और तन्यता बताने के बाद भी मुझे याद नहीं आ रही है। तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे आप वायर्स में बदल सकते हो किसी भी मेटल को। ठीक हो गया बच्चों, नेक्स्ट ले लेते हैं, ये लो। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री, इमेज को देखो, जहां पे मिलिट्री की गन्स या इक्विपमेंट्स को रखा जाता है उसे आर्सेनल कहते हैं। इसको आर्सेनल कहते हैं, इसका नाम होता है आर्सेनल, जहां पे हथियारों को रखा जाए, जहां पे गन्स को रखा जाए, आर्सेनल, हथियारों को रखे जाने की जगह। गोल्ड की डक्टिलिटी अच्छी है। ओके, पानीपत में गुटका फेमस है, शाबाश। और दारू कहाँ फेमस है ये और बता दो, है वोडका और क्या क्या जो जो आता है, सबका एड्रेस लिख दो कि थोड़ी बहुत कसर रह रही हो तो अच्छे से बिगड़ ले हमारे जवान बच्चे हैं। नाम पढ़ना भूल गए, वो महान प्राणी कौन था गुटके वाला? नाजुक कली जी, योगेश कुमार जी, लड़कियां जर्नली नाजुक कली बन करके दिखा रही होती हैं। आर्सेनल एकेडमी रोहतक अपनी है वो भी। आर्सेनल नाम ही इसलिए रखा था उसका क्योंकि उसमें एनडीए सीडीएस इस तरह की तैयारी कराई जाती है, तो आर्सेनल से संबंधित वर्ड होना चाहिए था ना, तो इसलिए आर्सेनल एकेडमी रोहतक। आर्काइव शब्द होता है किसी चीज को छुपा लेना। व्हाट्सएप पे जर्नली इकट्ठा, संग्रह, संग्रह को भी कहते हैं आर्काइव। सही, हिंदी याद आ गई भाई, अब तो यही लिखूंगी। ठीक है, अपियरी और अवियरी, अभी आज की क्लास में पढ़ाया था, आप लोग बताएं क्या था, अपियरी क्या था और अवियरी क्या था, सभी बच्चे बताओ जल्दी से। अपियरी बर्ड्स के लिए, शाबाश, और अवियरी किसके लिए था, जल्दी बताएं सारे बच्चे। राहुल खत्री जी शुक्रिया। फेसबुक वाले व्यूवर्स, वेटिकन यूट्यूब चैनल से लाइव है क्लास, रोज 9 बजे लाइव आती हूँ। अगर इंग्लिश सीखने की इच्छा रखते हैं तो पक्का पक्का क्लास को फॉलो करें, रोज अटेंड करें, जरूर कुछ ना कुछ सिखा पाऊंगी मैं आपको। हाँ जी, जहां बर्ड को रखा जाए। 18 को एग्जाम है, क्या क्या कवर करें इंग्लिश में प्लीज बताएं। लक्ष्मी नूरी जी, अगर आप बात कर रहे हो ग्रामर की, वॉइस, नरेशन, इसके अलावा क्वेश्चन टैग्स, वर्ब, आर्टिकल, प्रेपोजिशंस, बहुत, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनको ढंग से कर लो काफी है। और ये सब मैं, इन सब पे मैंने ई बुक्स बना रखी हैं, आपको ई बुक्स मिल जाएंगी वेटिकन ऐप के ऊपर, उन्हें आप पढ़ सकते हो, या कोई आपका ऑफलाइन मित्र मेरे पास आता हो तो उससे आप पुस्तक भी लेके पढ़ सकते हैं। मुझे तो आज एक ही वर्ड याद हुआ है, सोरियो सिस्टर वाला, प्रज्ञा का लाडला है, इसीलिए प्रज्ञा का वही वर्ड याद कर लिया है, सोरियो। चलो भाई अगले शब्द पे चलते हैं। अ स्टेबल ऑफ परफेक्ट बैलेंस, देखो ध्यान से, परफेक्ट बैलेंस इक्विलिब्रियम को कहते हैं। इक्विली का मतलब ही बराबर होता है, इक्विली का मतलब ही बराबर होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आप मैथ्स में पढ़ते हो, इक्विवेलेंट भी एक समान को कहते हैं, और इक्विनोक्स जहां दिन रात बराबर हो, इक्विनोक्स ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं ना, वो समय जहां पे दिन और रात बराबर आ जाएं, तो इक्विनोक्स इक्विवेलेंट आपका बराबरी के लिए आता है, और इक्विलिब्रियम बैलेंस जहां पे एक जैसा हो। तो सही आंसर था इक्विलिब्रियम। फरीदाबाद से बिल्कुल नमन ले लिया है हितेश जी, मैंने फरीदाबाद से बिल्कुल मैंने आपका नमन ले लिया है। यस नवल, बिल्कुल सही बात बेटा। जगाधरी यमुनानगर में आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट।
जो आपने पढ़ा है उसी में से सारा पेपर आए भाई। अच्छा मैं तो जगह का नाम सोच रही थी भाई, फिर पेपर है, पेपर क्यों लिखा उसके साथ। हाँ जी, यहां तक का क्लियर हो रहा है? जल्दी यस नो लिखो फटाफट, डन डन आडन डन 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 लिख दो फटाफट। यहां तक अगर सबको समझ में आ रहा है, फेसबुक वाले बच्चे भी लिखेंगे और यूट्यूब वाले भी लिखेंगे, सारे बच्चे फटाफट बताओ, फिर मैं अगले शब्द पे जाने वाली हूँ। गुड इवनिंग तमन्ना, राम राम जाट, शीतल नमस्ते, अंकित धनखड़। अच्छा, यमुनानगर जगाधरी के दारू फेमस है। अच्छा ठीक है जी, शुक्रिया। पेपर में पी के चले जाना, पेपर मस्त हो जाएगा और आप जबरदस्त हो जाएंगे। अंकित पढ़ लिया मैंने आपका एक्स्ट्रा ज्ञान। हाँ जी बिल्कुल, ड्रेम्ट इज द ओनली इंग्लिश वर्ड, बिल्कुल कह सकते हैं, सही ज्ञान। यस मैम यस मैम यस मैम। अंकित अब रुक जाएगा या दारू पिला के मानेगा भाई? आपकी कोचिंग कहाँ है? रोहतक में पावर हाउस चौक पे वेटिकन इंस्टीट्यूट के नाम से आपको मिल जाएगा। हरियाणा रोहतक पावर हाउस चौक, नेकीराम कॉलेज के सामने। मैम प्रैक्टिस बुक है लेकिन आंसर नहीं है। रमणीक सिंह जी, आंसर्स की पीडीएफ आपको वेटिकन ऐप पे डाली हुई है, आप ले सकते हो। हालांकि आंसर्स में कुछ कुछ गलतियां हैं, उसके लिए आपको मुझसे संपर्क करना पड़ेगा। वो बुक मैं ऑनलाइन अपलोड इसीलिए नहीं कर रही हूँ कि उसमें मिस्टेक्स हैं। ये लो, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट। कई बार हम पढ़ाई करते करते अपने बचपन में चले जाते हैं, कई बार हम क्लास में बैठे बैठे अपने कॉलेज के दिनों को याद कर रहे होते हैं, और कई बार स्कूल में बैठे बैठे हम अपना बिल्कुल वो जो क्या कहें वो टॉफी चॉकलेट वाले दिनों को हम याद कर रहे होते थे। तो उसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रो का मतलब ही होता है पुराना, रेट्रो शब्द दिखाता ही पुराने को है। सिनोनिम की पीडीएफ नहीं है, डाल रखी है बेटा नेहा मैम फ्री शो में, ध्यान से चेक करो मिल जाएगी। अच्छा शिवानी राव, आपका तो एग्जाम ही है, तो जगाधरी मतलब जगह का भी नाम है ना। ओके ठीक है मैम, वन वन हो जाते हैं, सिनोनिम में प्रॉब्लम आती है। यहाँ तो मैंने दोनों ही अरेंज कर रखे हैं बेटा, बाकी अलग से फाइल भी ले आऊंगी, डोंट वरी। हाँ जी, तो एक्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्शन हो गया पुराने समय। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शंस होते हैं ना, छापा मारा जाता है, इंस्पेक्शन होता है, ताक झांक होती है, चेकिंग होती है, उसे इंस्पेक्शन कह देते हैं। सरकमस्पेक्शन, चारों तरफ के एरिया को अच्छे से जानना समझना होता है सरकमस्पेक्शन। और इंट्रोस्पेक्शन होता है अपने गिरेबान में झांक कर देखो। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? अपने गिरेबान में झांक कर देखें आप खुद क्या हैं, फिर दूसरे को कहें, तो दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को जानो। सरकमस्पेक्शन, आसपास की दुनिया को जानो। इंस्पेक्शन, दूसरे के घर में ताक झांक करो। इंस्पेक्शन छापा मारो के सेंस में आता है जर्नली। और रेट्रोस्पेक्शन, पुराने दिनों को, पुरानी चीजों को याद करो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन रिटन इन द मेमोरी ऑफ डिसीज्ड होता है डेड, जो मर चुका है उसे डिसीज्ड कहते हैं। जो मर चुका है उसे डिसीज्ड कहते हैं। ये देखो इस तरीके से कब्र पे जो पत्थर लगाया जाता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो कब्र पे जो पत्थर लगाया जाता है उसे एपिटेम कहते हैं। एपिटेम बेसिकली एक पत्थर जो गाड़ दिया जाए और उसके ऊपर पहचान लिख दी जाए उस इंसान के बारे में, तो इस सेंस में आता है एपिटेम। पिल्लर्स, आजकल घर बनाने से पहले पिल्लर खड़े किए जाते हैं, फिर दीवारें जोड़ करके लेंटर छत आ जाती है, तो पिल्लर तो वही है पिल्लर। ठीक है, स्लैब, किचन में स्लैब्स होती हैं, अपने अपने किचन में देखो स्लैब्स होती हैं, वही वाला स्लैब है ये। बेसिलिका, बड़े से हॉल को कहते हैं जहां पुराने जमाने में या फिर इतिहास में पढ़ाया जाता है कि राजाओं के दो उठने बैठने की जगह होती थी, एक तो जहां पे वो अपने मंत्रियों से मिलते थे और दूसरे जहां वो अपनी प्रजा से मिलते थे। तो जहां प्रजा से मिलते थे उसे कहते हैं बेसिलिका, बड़ा सा हॉल जहां पे राजा महाराजा अपनी प्रजा की शिकायतें सुनते थे, उनसे बातचीत करते थे, उसे बेसिलिका कहते हैं, बड़ा सा हॉल। हाँ वो वाली स्लैब्स मान लो आप, वो भी हो सकती हैं। फ्री शो ओपन नहीं होता वेटिकन पर,
हो जाता है मेरे सामने ही, जो अपडेट करते हैं टेक्निकल टीम की पर्सनैलिटी मेरे सामने ही बैठे हैं वो, एंड ही इज सेइंग कि अपडेट हो जाता है, क्लिक करो ओपन हो जाएगा। इंदु बेटा एनरोल नाउ, एनरोल नाउ पे क्लिक करना इंदु जी, ओपन हो जाएगा। मैम की दया से पास हूँ पेपर में। ओके जाट साहब, कौन सी मैम की दया, मेरी की किसी और की बात कर रहा है भाई। ये लीजिए नेक्स्ट, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। ये देखो गुलदस्ता, जो आपकी उम्र के बच्चे 14 फरवरी को लेने निकलते हैं और दुकानों पे खत्म हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उस दिन तो लूट मची होती है इस चीज की, तो उसे कहते हैं बुके, गुलदस्ता। रीत होती है जो डेड बॉडी पे गोल गोल फूलों की माला डाली जाती है। देखिए रीत, डेड बॉडी के ऊपर ऐसे गोल गोल से फूल होते हैं, वो रीत होते हैं। गार्लैंड, जब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी आपके गले में वरमाला डाली जाएगी, तो वो है गार्लैंड। बंडल भाई समझते ही होंगे, पर ये बीड़ी का बंडल वाला बंडल नहीं है, लकड़ियों का बंडल, किसी भी चीज को ऐसे गठड़ी सी में बांध देना, पाइप हो लकड़ी हो किसी भी चीज को, दैट इज बंडल। तो आपका सही आंसर है बुके, क्योंकि यहाँ पे फूलों के गुलदस्ते की बात हो रही है। ठीक बात है मैम, मेरी तो आईडी ही नहीं बन रही है वेटिकन पर, पासवर्ड रॉन्ग बताता है। बेटा पासवर्ड आपने अपने लिए लगाना है, हमने कोई पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, पासवर्ड आपने खुद के लिए भरना होता है, ताकि आपके अलावा उसे कोई यूज नहीं कर पाए। ओके कैथलाली नाम ऐसे ऐसे रखते हो तुम लोग, 100 रुपए का रोज दिया था। अच्छा इतने पैसे आते कहाँ से तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए, है 100 रुपए का जूस पीता, नहीं तो 100 रुपए का तो 5 किलो आटा आ जाना था, मम्मी को ले जाके देता, खुश हो जाती। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। दो लोगों का झगड़ा हो गया है, आदमी नंबर वन, आदमी नंबर टू, और ये जो बीच में खड़ा हुआ है इसे आर्बिट्रेटर कहते हैं, बीच बचाव करने वाला, बिचौलिए को आर्बिट्रेटर कहते हैं। बिचौलिया जो बीच बचाव करके आपका वो करवा दे, पैचअप करा दे, सुलझेड़ा करा दे, कुछ भी अपनी भाषा में आप कह सकते हो, दो लोगों का झगड़ा निपटवा दे, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट का तो आंसर भी बता चुकी बेटा मैं, आर्बिट्रेटर। ब्रोकर एजेंट होता है जर्नली, क्या कहते हैं, दलाल, ब्रोकर। वैल्यूअर जो चीजों की कीमत लगाने का ज्ञान रखता हो, और ऑडिटर अकाउंट्स को ऑडिट करता है। ऑडिटर इंपॉर्टेंट शब्द है, अकाउंट्स की मतलब काट छांट, जमा घटा, अकाउंट्स को मैनेज करना, दैट इज ऑडिटर, जो अकाउंट्स का अच्छा खासा ज्ञान रखे। आर्बिट्रेटर होता है बीच बचाव करने वाला, बिचौलिया, हाँ जी, जो समझौता करा दे, आर्बिट्रेटर जो समझौता करा दे, लड़ाई करा दे। नहीं अमन धनखड़ जी, मैंने तो यही सुना है आज तक, आर्बिट्रेटर समझौता कराते हैं, लड़ाई कौन कराता है आई डोंट नो। पहले 100 उड़ाएंगे बाद में गिनाएंगे। अच्छा ये देखो, इधर से एक लड़की की भावना भड़क गई है भाई, 100 रुपए के गुलाब वाली बात पे, पहले 100 रुपए उड़ाएंगे और फिर बाद में गिनवाएंगे मतलब लड़कों की तारीफ कर दो, लड़कियां मैदान में उतर आएंगी, लड़कियों की तारीफ कर दो, लड़के मैदान में उतर आएंगे। पहल सर का टाइम हो गया, जाओ फिर, मैं क्यों बंद करूं, चैनल दूसरा है वो, जाओ बाय बाय टाटा, अभी मेरा तो काम रहता है ना, मैं तो अपना पूरा करके जाऊंगी। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, आर्बिट्रेटर हो जाता है भाई। ये वाली फाइल तो पूरी करने दो। नेक्स्ट, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, ये देखो समकालीन को कंटेम्प्रेरी कहते हैं, एक ही काल के लोग, एक ही समय के लोग कंटेम्प्रेरी कहलाते हैं, कंटेम्प्रेरीज। कलीग एक साथ काम करने वाले, कंपेट्रिएट देशवासियों को कहते हैं, एक ही देश के वासी कंपेट्रिएट्स कहलाते हैं। कोस्मोपॉलिटन जो अपने आप को सर्वदेशी समझता है, भाई मैं तो हर जाति का हूं और हर देश का हूं, वो कोस्मोपॉलिटन होता है। कंपेट्रिएट्स होते हैं देशवासी, कलीग होते हैं एक साथ काम करने वाले लोग, और कंटेम्प्रेरी होते हैं समकालीन। सरपंच बना दो इंदु को। ओके सुरेश कुमार जी, सरपंची बनाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, जेंडर से थोड़ा खिलवाड़ नहीं हो गया यहाँ,
सरपंची होना चाहिए। प्रदीप पहल सर की क्लास है क्या सच्ची में ही 10 बजे? ठीक है अपने पे। हाँ जमाई लड़ने को तैयार बैठी हैं सभी। बेटा मैं ऑफलाइन में बहुत देखती हूँ, जैसे ही मैं लड़कियों की तारीफ करती हूँ लड़कों के मुंह ऐसे बन जाते हैं कि हाँ फीमेल टीचर है ना इसलिए तारीफ कर रही है। फिर लड़कियों की बुराई करूंगी तो फिर लड़कियां घूरेंगी लड़के खुश हो जाएंगे, तो बेचारा टीचर तो फंस जाता है, और स्पेशली फीमेल टीचर तो पक्का ही फंस जाती है। इधर तारीफ करो तो उधर वाले बुरा मानेंगे, उधर तारीफ करो तो उधर वाले बुरा मानेंगे, तो मैनेज करके चलना पड़ता है दोनों तरफ बराबर बराबर। चलिए तो कंटेम्प्रेरी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अ पर्सन एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। पर्सन एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, जहां की आप पैदाइश हैं। कह रहा है कि जहां पे आप पैदा हुए हैं, जहां के निवासी हैं आप, तो उसे नेटिव कहा जाता है। एलियन विदेशी को कहते हैं। एलियन शब्द किसके लिए आएगा? विदेशी के लिए। रेजिडेंट का मतलब पैदा कहीं और हुआ है लेकिन रिहायश यहां पे है। रेजिडेंट मतलब जहां आप रहते हो, और ऑक्यूपेंट जहां पे आप नौकरी करते हो, और नेटिव जहां आप पैदा हुए हैं। तीनों शब्द बड़े मजेदार हैं, ध्यान से समझो। नेटिव जहां आप पैदा हुए हैं, रेजिडेंट जहां पे आप रहते हैं, और ऑक्यूपेंट जहां पे आपकी जॉब लगी है। मैं बड़ी खुश नसीब हूं, मेरी तीनों ही चीजें रोहतक हैं। नेटिव लैंड भी रोहतक है, रेजिडेंस भी रोहतक है, और ऑक्यूपेंट भी रोहतक है। तो यहीं पे पैदा हुई हूं, यहीं पे चल रहा है सारा कार्यक्रम तब से ही। तो इट इज नेटिव आपका सही आंसर। ठीक है, रेजिडेंट जहां रहते हो, ऑक्यूपेंट जहां जॉब लगी है, नेटिव जहां आप पैदा हुए हैं, और एलियन होता है विदेशी। तो सही आंसर था नेटिव। जल्दी बताएं यहां तक का क्लियर है? नहीं मैम, आई एम ऑलरेडी मैरिड, इसी लाइफ में होता है। हाँ ठीक है इंदु वर्मा जी, बिल्कुल सही बात। मैम जी सब इंस्पेक्टर जनरल का स्लैब्स क्या है? अब इस चीज को समझाने लगूंगी तो एक आधा बोलेगा मैम इंग्लिश पढ़ा लो ना प्लीज। चलिए, समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कांट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन। ये देखो इस लड़की को, कुछ लोग ऐसा मान बैठते हैं कि मेरे नसीब में आंधी तूफान है, और कुछ लोग ऐसा मान बैठते हैं भाई मेरी नसीब में तो हरियाली है। सब कुछ सारा खेल यहाँ से है। किसी के लिए दिमाग बहुत अच्छा और किसी के लिए दिमाग बहुत बड़ा, किसी के लिए दुनिया बहुत बुरी, किसी के लिए दुनिया बहुत अच्छी, तो सारा का सारा झगड़ा यहाँ से है। तो ऐसा इंसान जो किस्मत के भरोसे बैठा रहे, जिसके दिमाग ने उसको ऐसे सेट कर रखा है कि जो भी होगा किस्मत पर है, मैंने जो करना था कर लिया, अब राम भरोसे, तो उसे कहते हैं फेटलिस्ट, भाग्यवादी, भाग्य पर भरोसा करने वाला, भाग्यवादी, भाग्य पर भरोसा करने वाला। फॉरेटिक कोई शब्द नहीं होता, सीयर होता है दूरदर्शी, जो दूर की चीजों को देख ले समझ ले, उसे सीयर कहते हैं। दूरदर्शी, जो दूर की चीजों को देख ले और समझ ले। हाँ जी मूल निवासी। नेटिव प्लेस की सही हिंदी लिखी है ढूंढ के, बिल्कुल। चलिए तो भाग्यवादी, दूरदर्शी। प्रॉफिट को क्या बोले? अवतार कह लो भाई, भगवान ने अवतार लिया है समाज को ये संदेश देने के लिए। या फिर ये जनरली ईसा मसीह के जो संदेश वाहक होते हैं उन्हें प्रॉफिट कहा जाता है, कि ईसा मसीह के संदेश को जो दुनिया में फैलाएं उन्हें प्रॉफिट कह देते हैं। पर हमारे भाषा में तो भगवान ने अवतार लिया है दुनिया को राह दिखाने के लिए, तो उस सेंस में भी हो सकता है। वैसे अवतार की इंग्लिश इनकार्नेट होती है, वैसे अवतार को इंग्लिश में इनकार्नेट कहते हैं। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से किश्ती भी निकल सकती है, वाह वाह। होके मायूस यू ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संत सन्यासी आदि जी कह सकते हो, संत सन्यासी आदि। फेटलिस्ट आपका सही आंसर है, भाग्यवादी। ये लीजिए जी अगला, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। ये देखो सिलेंडर जैसा कंटेनर, बल्जिंग आउट इन द मिडल, मैं एक तरफ हो जाती हूँ, बीच में से जो बाहर की तरफ निकल रहा हो, बल्जिंग आउट इन द मिडल। ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेव्स, ये लकड़ी के फट्टों से बना हुआ है, फॉर कीपिंग ऑयल या बियर रखने के लिए, तो इसे कहते हैं बैरल।
इसे कहते हैं बैरल, बैल होता है गांठ, गांठ को कहते हैं बैल, हसल बसल भगदड़ को कहते हैं, भगदड़ सी मच गई, दैट इज बसल, और बिन होता है कचरे का डिब्बा, बसल की हिंदी लिख देती हूँ, अच्छा वर्ड है ये भगदड़, हसल बसल आता है बेसिकली ये भगदड़ मच जाने के लिए, तो सही आंसर है बैरल। नमस्ते रजनीश गुर्जर जी, हाँ प्रोफेसी कह सकते हैं बिल्कुल, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी ओके। बहुत सेंसेस होते हैं इंडो, एक शब्द के ना कई सेंसेस होते हैं, हाँ पेट्रोल या बियर के लिए बिल्कुल, हाँ जी मीठा जहर जी बिल्कुल सही चेस कर रहे हो आप, वेरी गुड। यहां तक का बताओ, डन 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 डन, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताएं सारे बच्चे, यहां तक का क्लियर हो गया है या नहीं, फटाफट से बता दें। हाँ जी हसल बसल चहल पहल बिल्कुल कह सकते हो, डन डनाडन डन डन लिखो फटाफट। अंजलि शर्मा जी हेलो, हाँ जी क्लास डेली होती है रिंकू, रात को 9 बजे, सैटरडे संडे नहीं होती, बस मंडे टू फ्राइडे होती है इसी चैनल पे रात को 9 बजे, वेटिकन यूट्यूब चैनल पे। बैरल सिलेक्ट इज अ विस्की, रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट इज अ विस्की, ओके योगेश कुमार जी। अभी तो पार्टी करने का मेरा कोई मूड है नहीं, तो जरूर हम विस्की बियर उस दिन बात करेंगे। डन डना डन 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 डन, चलिए अब बढ़ते हैं अगली चीज पे। आज के लिए शब्द हो गए हैं काफी, 100 से ऊपर शब्द हो चुके हैं, अगर आपको पता ना लगाओ तो गिन लेना पीछे पीछे जा जाके, अराउंड 100 न्यू वर्ड्स मैंने आपको आज की क्लास में 1 घंटे में करा दिए हैं। अगर किसी के लिए 100 नए नहीं थे भाई, 20 पुराने थे, तो 70-80 पक्का नए सीख लिए, और बहुत हो जाते हैं एक दिन के लिए 70-80 वर्ड्स। अब जल्दी बताओ यहाँ तक कोई समस्या परेशानी, ऑल सेट, कोई और इच्छा हो कोई और दिक्कत हो तो बताएं जल्दी सारे बच्चे, फटाफट आपकी तरफ देख रही हूं मैं। हाँ जी आई नो अमन धनखड़ जी, मुझे पता है बेटा। हाँ जी वीनू मैम जी बिल्कुल सही, इसीलिए फ्री कर रही हूँ, अगली क्लास पहल सर की है इसीलिए ही रुक गई हूं मैं। आपने तो नहीं बोल रहा, पता नहीं क्या कह रहे हो मैम, पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ मिलेगी जी नेहा मैम, कंप्लीट शो में स्टोरी, ओहो नवल आज तो पक्का सुनाओगे नवल को ना कई दिन हो गए, कल परसों तो बेचारे ने लिख दिया था, आज स्टोरी नहीं सुनाई तो मैं रो दूंगा। चलो आज आपको एक नन्नी मुन्नी प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ, मजा आएगा सुन के, हंसने वाली तो नहीं, देखो कहानियां सीख देती हैं, हंसाते तो जोक्स हैं, तो सीख वाली कहानी सुना देती हूँ। ये कहानी है मंदिर की, एक मतलब स्थापना हुई है, काफी पुराना मंदिर है, बहुत सारे लोगों को हायर किया गया है, कोई घंटी बजाने वाला, कोई पुजारी, कोई सफाई कर्मचारी, सभी नौकरी पे हैं, और मंदिर को जो है एक संस्था चला रही है, संस्थाएं चलाती है ना मंदिर, तो एक संस्था के द्वारा मंदिर को चलाया जा रहा है, और सभी लोगों को नौकरी पे रखा गया है भक्त गणों को छोड़ के। तो जितने से भी लोग उस मंदिर में आते, मतलब खूब बड़ा आलीशान शानदार वो मंदिर था, लेकिन उस मंदिर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था वहां पे जिस इंसान को घंटी बजाने के लिए नौकरी पर रखा गया था वो, क्योंकि वो जब घंटी बजा रहा है मंदिर की, तो इतना जोश इतना जुनून इतनी भक्ति में वो करता था उस काम को, कि जितने से भी लोग आते थे उनका वैसे ही मन लग जाता था कीर्तन में सत्संग में, उसकी भक्ति भावना को देख के इतना वो भगवान की भावनाओं में लीन हो करके अपने काम को करता था। सारा पूजा आरती कीर्तन खत्म होने के बाद भी वो लगा रहता था, इतना मदमस्त था वो अपने काम के अंदर। तो काफी सालों तक ऐसा चलता रहा, लोग आते रहे जाते रहे, उस घंटी बजाने वाले की तारीफ करते रहे कि आप बहुत अच्छे हैं। फिर एक दिन संस्था के जो ट्रस्टी हैं वो बदल गए, मंदिर को चलाने वाली संस्था के ट्रस्टी जो थे वो बदल गए, और नए जो ट्रस्टी आए उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि अब मंदिर में वही काम कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो, जितने भी अनपढ़ लोग हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। तो वो घंटी बजाने वाला पढ़ा लिखा तो नहीं था, तो उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया, वो अपने घर चला गया चुपचाप कि ठीक है भाई अभी मैं पढ़ तो सकता नहीं हूँ कि एकदम से कैसे पढ़ाई करके वापस इस नौकरी को लूँ, तो वो घर चला गया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक तो लोग आए मंदिर में, लेकिन उन सभी ने उस घंटी बजाने वाले के बारे में पूछा
कि भाई उसको देख के मन लगता था, उसको देख के आस्था जागती थी, वो तो बहुत अच्छा इंसान था, उसे क्यों नौकरी से निकाल दिया। तो इस तरीके से लोगों ने चर्चा शुरू की। फिर उनमें से किसी ने कह दिया कि उसका घर यही पास में ही है, चलो पूछ के आते हैं उसने नौकरी क्यों छोड़ दी। जब लोग उसके घर पहुंचे, सारी कहानी सुनी, तो लोगों ने एक आइडिया दिया उनको कि आप वहां नौकरी तो नहीं कर सकते हो, लेकिन वहीं पास में ही ना हम आपको पैसे देते हैं, एक छोटी सी दुकान खोल लो, सिर्फ जब कीर्तन का समय हो या आरती का समय हो तो घंटी बजाने आ जाना, नहीं तो अपनी दुकान संभाल लेना। इससे आपको भी नौकरी नहीं लेनी पड़ेगी और हमें भी मंदिर में आप दिख जाओगे, हमारे को भी अच्छा लगेगा। तो उस आदमी को ये बात ठीक लगी कि ठीक है, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ। तो वो आदमी ने एक छोटी सी दुकान खोल ली मंदिर के पास, और कीर्तन के समय पर वो घंटी बजाने के लिए चला जाता था, बिना कोई पैसे के, बिना नौकरी के, कि भाई मैं तो दुकानदार हूँ, सिर्फ अपनी आस्था के लिए यहाँ पे घंटी बजाने आता हूँ, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। तो ऐसा भी चला, एक साल, डेढ़ साल, दो साल बीत गए, और धीरे धीरे करके उसकी दुकान इतनी बड़ी हो गई कि फैक्ट्री 1, 2, 3, 5, 6 फैक्ट्रियों का वो मालिक हो गया। लेकिन तब भी वो उस मंदिर में घंटी बजाने जरूर आता था, क्योंकि उसकी आस्था थी, उसका प्यार था, भगवान में विश्वास था, और मेहनत थी तो वो था ही, तभी तो बिजनेस इतना उसका ग्रो कर गया। अब उस संस्था के ट्रस्टी फिर बदल गए, मंदिर की जो संस्था थी उस संस्था के ट्रस्टी फिर से बदल गए। और अब जब नए ट्रस्टी आए तो उन्हें लगा कि भाई मंदिर को पुनः निर्माण की आवश्यकता है, इसको दोबारा से बनाया जाना चाहिए, बहुत सारी चीजें इसकी खराब हो गई हैं, तो हमें कुछ दानवीर लोगों की जरूरत है। तो वहां पे जो भक्त थे उन्होंने कहा कि इसी मंदिर में रहते थे वो, और उन्होंने अभी बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह बना ली हैं, तो आप उनसे मिलो, जरूर वो आपकी मदद कर सकते हैं पैसों के मामले में। तो वो जो नए ट्रस्टी साहब थे वो उस लड़के के पास पहुंचते हैं जो पहले मंदिर में घंटी बजाता था, अब 5-7 फैक्ट्रियों का वो मालिक है। तो वो कहता है जी मैं यूं यूं मंदिर से आया हूँ, और हमें उस मंदिर के ना पुनर्निर्माण के लिए आपसे कुछ धन की सहायता चाहिए। तो वो लड़का बिना कुछ सोचे समझे ब्लैंक चेक के ऊपर जो है अमाउंट भर के उस इंसान को दे देता है, ट्रस्टी साहब को। ट्रस्टी साहब कहते हैं शुक्रिया, आपने तो मेरी बात पूरी सुने बिना ही चेक काट के मुझे दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते बोलते जैसे ही वो चेक की तरफ देखता है तो चेक देख के कहते हैं अरे सर आप इस पे साइन करना तो भूल गए, बिना साइन किए तो ये चेक कैसे ही कैश होगा। तो फिर वो लड़का जो जवाब देता है वो बड़ा मजेदार है सुनने में। वो लड़का पहले तो ये कहता है कि मैं हूं अनपढ़, मुझे साइन करना आता नहीं है, यहाँ पे मैं अंगूठा लगा सकता हूँ, उससे वो चेक आपका कैश हो जाएगा। फिर ट्रस्टी बड़ा हैरान होके पूछता है कि इतनी फैक्ट्रियों के आप मालिक हो, इतने अमीर इंसान हो, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की, पढ़े क्यों नहीं आप? तो फिर वो लड़का जवाब देता है अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो अब तक भी मंदिर में घंटी ही बजा रहा होता, क्योंकि उस मंदिर से उसको निकाल दिया गया था ना सिर्फ यही बोल के, क्या कि आप अनपढ़ हैं, अगर मंदिर से निकालते नहीं तो दुकान नहीं खुलती, दुकान नहीं खुलती तो फैक्ट्री नहीं बनती, और फैक्ट्री नहीं बनती तो ये दिन नहीं आता जब वो कह सके कि पढ़ा लिखा होता तो मंदिर में क्या बजा रहा होता, घंटी बजा रहा होता, अनपढ़ था इसीलिए आपको चेक दे पा रहा हूं। तो जीवन में अगर कभी कोई मुसीबत भी आती है तो उस मुसीबत को भी खुले दिल से स्वीकारो, वो भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा बनाने के लिए ही आती है। हर वो चीज जो टूटती है टूटने के बाद ही कुछ बड़ा बनती है, धरती जब टूटती है तो उसमें से पेड़ उगता है, बहुत अच्छी चीज होती है, आसमान बादल जब टूटते हैं तो बारिश होती है, बीज जब टूटता है तो भी पेड़ निकलता है, समझे? तो अगर आप कभी टूट गए हैं तो वह जरूर आपकी बहुत बड़ी भलाई होने वाली है, उस टूट फूट को स्वीकार करें और हिम्मत बटोर के अपने रास्ते पे चलते रहें। एक दिन बदला लेने का समय सबका आता है, जवाब देने का समय सबका आता है, बस अपनी मेहनत करने की क्षमताएं बराबर रखें। ठीक है बच्चों, तो कल मिलती हूँ आप सबसे, बाय बाय, गुड नाइट।